ब्लैक मनी के खिलाफ नॉन स्टॉप एक्शन जारी। गोवा पुलिस ने जब्त की 1.5 करोड़ रुपए की नई करेंसी। पौंडा और पोर्वरम में रेड के दौरान बरामद हुई रकम, दो गिरफ्तार। दिल्ली के पहाड़गंज में गैम्बलिंग गैंग पर पुलिस का शिकंजा। एमबीएस होटल में जुआ खेलते 20 लोग गिरफ्तार। करीब 17 लाख की नई पुरानी करेंसी जब्त, केस दर्ज। बेंगलुरु के भूमि अधिग्रहण अधिकारी के ड्राइवर ने की खुदकुशी। जनार्दन रेड्डी पर लगाया 100 करोड़ के काले धन को सफेद करने का आरोप। मेंटल टॉर्चर का भी आरोप। नहीं घटेगी आपकी ईएमआई। आरबीआई ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। रेपो रेट 6.25 और रिवर्स रेपो रेट 5.75% पर स्थिर। शॉर्ट टर्म के लिए महंगाई में मिलेगी हल्की राहत। आरबीआई का अनुमान जनवरी मार्च तक 5% रहेगी महंगाई। उत्तर भारत में घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। देरी से चल रही है कई ट्रेन, कई उड़ान रद्द। सड़कों पर भी धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। यूपी के लखनऊ में पुलिस लाठीचार्ज से घायल अटेवा कार्यकर्ता राम आसरे ने अस्पताल में तोड़ा दम। सरकार ने 5 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने वाले डोनाल्ड ट्रंप बने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम के संपादकों ने लगाई ट्रंप के नाम पर मुहर। ऑनलाइन सर्वे में पीएम मोदी को मिले थे 18% वोट। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस एक यात्री विमान क्रैश। विमान में 47 मुसाफिर सवार थे। 21 शव बरामद। चित्राल से इस्लामाबाद जा रही थी फ्लाइट। हादसे में पाक सिंगर जावेद जुनैद समेत पूरे परिवार की मौत।